नमस्कार, वेलकम अगेन। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज और ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस। फॉर ए पॉइंट चार्ज वी यूज दिस इक्वेशन इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इन ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस वी यूज वेक्टर मैथमेटिक्स टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट ऑफ द स्पेस। दीज चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस बट फार अपार्ट and known as discrete charges, individual charges, but space between these point charges is large. Today we discuss another system of charge in which an enormous number of charges, that is billions and trillions of these discrete point charges, are placed with a little space along a line. It may be straight or curved or over a surface or within a volume. Then it is known as the continuous charge distribution. There are three types of charge distribution. If charge is distributed along a line, then it is known as linear distribution of charge. If charge is distributed over a surface, like a surface of a plate, surface of a square, or surface of a sphere, then it is known as surface charge distribution. And if the charge is distributed within a volume, then it is known as volume distribution of charge. In continuous charge distribution, we use a term charge density rather than the charge. To find the electric field of such distribution, we cannot use this equation because these charges are not the point charges and Coulomb's law is applicable only for point charge. So in order to find the electric field of such distribution of charges, we divide the charge into small, infinitesimal small elements, length element or area element or volume element. The amount of charge in each element behaves like a point charge, and for a point charge we can use this equation. So first we find electric field for a point charge for a small element, and then by using vector mathematics and some calculus mathematics we can determine the electric field of the distribution of the charges. It is a little bit complex. In brief, ab tak humne do type ke charges ke liye field find out kiya hai. Number one, सिंगल पॉइंट चार्ज जिसके लिए आप ये इक्वेशन यूज करते हैं, और दूसरा था ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस में ये डिस्क्रीट या पॉइंट चार्जेस है जो ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, इन चार्जेस के बीच में गैप ज्यादा है, तो इन सभी चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका वैक्टर सम जो होगा वो इस पॉइंट का रिजल्टेंट फील्ड होगा। पर आज अपने एक नया चार्जेस का सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसमें पॉइंट चार्जेस हैं वो ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, ये डिस्टेंस यहां ज्यादा है, पर यही चार्जेस अगर बहुत कम सेपरेशन के साथ में किसी लाइन पे, किसी एरिया पे, किसी वॉल्यूम में अगर रखे हो, तो उस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखिए इसमें ये चार्ज जो है वो एक लाइन पर है, ये लाइन स्ट्रेट या कर्व्ड हो सकती है। तो इसमें देखिए यहां पे चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम है जबकि यहां पे ज्यादा है। तो चार्जेस के बीच में अगर गैप ज्यादा हो तो हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, और अगर इन पॉइंट चार्जेस के बीच में गैप बहुत कम हो और अमाउंट ऑफ चार्ज लार्ज हो, बिलियंस और ट्रिलियंस चार्जेस हो और बहुत ही कम स्पेस पे किसी लाइन पे या एरिया पे या वॉल्यूम में हो, तो ये सिस्टम आपका है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो आप सिंपल कूलम्स लॉ यूज नहीं कर सकते क्योंकि कूलम्स लॉ खाली पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम जो है वो चार्ज को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। एलिमेंट्स का साइज इतना छोटा होगा कि उसमें जो चार्ज है वो एज ए पॉइंट चार्ज डील होगा। जैसे मान लो ये एक लाइन पे चार्ज है तो मैं इसके छोटे छोटे ये एलिमेंट्स बना देता हूं, एंड साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज इनफाइनाइट सिंबल स्मॉल, इतना छोटा है कि उसका चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज आप ले सकते हो। फिर हम इन एलिमेंट्स के लिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो अब आप इस एलिमेंट का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, तो इस एलिमेंट को आप एज ए पॉइंट चार्ज किसी का डील कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में हम ये जो एलिमेंट है इसका जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हर एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो इस पॉइंट पे, और बाद में वैक्टर सम और कुछ कैलकुलस मैथमेटिक्स यूज करके और हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ये थोड़ा सा जो मुश्किल है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स जो टिपिकल है इसमें, पर आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से करनी है
क्योंकि आईआईटी के लिए ये टॉपिक अब बहुत ज्यादा जरूरी है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक टर्म यूज करते हैं चार्ज डेंसिटी, चार्ज की बजाय हम चार्ज डेंसिटी टर्म यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज इतना ज्यादा है कि टोटल चार्ज को डील लें करके हम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। अगर चार्ज एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज किसी वॉल्यूम में उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द थ्री टाइप्स ऑफ डेंसिटीज। नंबर वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज कूलम पर मीटर। जैसे मान लो ये एक लेंथ है, इस वायर की लेंथ एल है और उस पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है। इस क्यू को आप उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्यू इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड मल्टीप्लाइड बाई द चार्ज ऑफ ईच प्रोटॉन। तो ये एन जो चार्जेस हैं ये सब पॉइंट चार्जेस, पर इनके बीच में गैप इतना कम है इसको हम क्या बोलेंगे अब, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो टोटल चार्ज है वो क्यू है और लेंथ एल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम हमेशा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए एल मीटर पे चार्ज क्यू, तो वन मीटर का चार्ज कितना होगा, वन मीटर का जो चार्ज है वो क्यू बाई एल, एंड इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज टोटल चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई द टोटल लेंथ। जैसे मान लो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप देखेंगे टोटल चार्ज मान लो क्यू है और टोटल लेंथ होगी टू पाई आर, तो इस सिचुएशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, एंड इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट्स एसआई यूनिट इज क्यू बाई एल, कूलम पर मीटर, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी कूलम मीन्स एटी डिवाइडेड बाई मीटर मीन्स एल, तो एम नॉट एल माइनस वन टी वन एंड ए वन। नंबर टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया देन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई दैट टोटल एरिया। सपोज दैट इट इज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, इट्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज क्यू एंड टोटल एरिया इज ए, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाई सिग्मा एंड इट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। अगर मान लो ये सर है और उसके रेडियस आर है, तो इस सिचुएशन में एरिया सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज कैपिटल आर, देन टोटल एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज क्यू, देन टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल एरिया मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। तो इट इज एक्सप्रेशन फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट्स एसआई यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी एम नॉट एल माइनस टू टी वन एंड ए वन। एंड नंबर थ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम मीन्स एम्प्टी स्पेस। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड अ वॉल्यूम, जैसे मान लो एक एक स्फीयर है और स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब में पूरे के अंदर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे आपको क्यूब दिख रहा है ये, और क्यूब या क्यूबॉइड जो भी है, अंदर का जो पूरा खाली स्पेस है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। तो यहां पे ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है और टोटल वॉल्यूम सपोज दैट वी है, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज क्यू एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए वॉल्यूम वी। वॉल्यूम मीन्स एम्प्टी स्पेस जिसमें आप कुछ भर सकते हैं, तो अंदर के पूरे स्पेस में आपने जो वो चार्ज को फिल कर दिया इसमें, तो इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब एंड डायमेंशनल फॉर्मूला एम नोट एल माइनस थ्री टी वन एंड ए वन। ये तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड तीन टर्म्स है लैम्डा सिग्मा एंड रो, इन तीनों को यूज करके और अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आप कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं।
सबसे पहले ये करना है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको सबसे पहले ये देखिए, आपको जो प्रॉब्लम दे रखी है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, सरफेस है या वॉल्यूम है। जैसे मान लो तीन टाइप के, अगर चार्ज एक वायर पे है तो इसका मतलब आपको यूज करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी या कॉन्सेप्ट, जिसमें आप यूज करेंगे लैम्डा, यानी इसके 1 मीटर का जो चार्ज है वो लैम्डा है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एरिया पे, जैसे मान लो स्क्वायर पे चार्ज है, तो यहां पे अपने कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का, ये एरिया हो गया आपका, यानी लीनियर और एरियल। या इसमें चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मान लो ये इस टाइप से एक क्यूब है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यूब में। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, इसके डेंसिटी हम यूज करेंगे रो। सेकंड स्टेप, टेक ए प्रॉपर एलिमेंट ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपको अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो आप इसमें लेंथ एलिमेंट लेंगे, और अगर वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम एरिया एलिमेंट लेंगे, और अगर वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसमें एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करते हैं। सपोज दैट ये एक एलिमेंट है जिसकी लेंथ है डीएल, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो एलिमेंट लेंथ एलिमेंट होगा। इसके बाद अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एरिया पे, तो मैं इसमें एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लूंगा। ये टोटल चार्ज है, इसमें जो एलिमेंट होगा, ये मैं एलिमेंट ले रहा हूं, ये एलिमेंट जो होगा ये वाला, इसको मैं लेता हूं डी ए, इट इज स्मॉल एरिया, ये हो गया एरिया एलिमेंट। और अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं एक छोटा सा एक वॉल्यूम ले लेंगे, और इसका वॉल्यूम है कितना, डी वी। इसके बाद फाइंड स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द एलिमेंट। अब आपको ये बताना है कि इसमें चार्ज कितना, इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज बताना है कितना। तो आप देखिए इसमें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा जो है वो 1 मीटर का चार्ज है, तो 1 मीटर का चार्ज लैम्डा, तो डीएल मीटर का चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू डीएल। इट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट, सिंस द डायमेंशन ऑफ दिस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, सो द चार्ज इनसाइड दिस एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के लिए हम कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं। अगर एरिया एलिमेंट है तो इसका चार्ज, तो देखिए आप यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है, तो छोटे से एलिमेंट का चार्ज कितना होगा, तो यूनिट एरिया का सिग्मा, तो डी ए एरिया का सिग्मा इंटू डी ए, इट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द एरिया एलिमेंट। सिमिलरली टोटल चार्ज ऑफ दिस वॉल्यूम एलिमेंट डी वी, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम इज रो, देन अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस गिवन वॉल्यूम एलिमेंट डी वी, तो रो इंटू डी वी। ये जो चार्जेस डी क्यू मैंने लिया, डी क्यू मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यू, ये चार्ज आपका पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कूलम्स लॉ। तो अब इस एलिमेंट का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू की जगह अपने यूज कर लेंगे डी क्यू, क्योंकि अब चार्ज हमारा जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है डी क्यू। तो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंस अमाउंट ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल दैट इज डी क्यू, एंड डी क्यू कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट इज डी ई, इट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्मॉल चार्ज, एंड आर मीन्स डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी आप ये टाइप से एलिमेंट लें, ये लेंथ एलिमेंट है मान लो, और इसका ये थोड़ा सा चार्ज है, ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है आपका। अब आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पी पे, तब पी को यहां से मिला देंगे, तो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर, और इस एलिमेंट में जो चार्ज है उसका अमाउंट है डी क्यू, एंड डी क्यू इज पॉइंट, तो डी क्यू का आर डिस्टेंस पे के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द एलिमेंट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई दिस स्मॉल एलिमेंट, चार्ज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। ऐसे करके आप हर एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें जो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। अगर आप देखेंगे यहां पे अगर एक एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये मान लो डी ई डैश है। अब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, आपको इसके लिए आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो खाली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर सकते हैं, इररेगुलर ज्योमेट्री कोई भी है, जैसे ये वायर है और रेगुलर ज्योमेट्री है, और अगर इसके ऊपर चार्ज है तो इसको सोल्व करना जो वो पॉसिबल नहीं है, तो हमें रेगुलर ज्योमेट्री मिलेगी चार्ज अलोंग स्ट्रेट वायर,
चार्ज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और सेमी सर्कल, चार्ज ओवर स्क्वायर प्लेट और सर्कुलर प्लेट, और चार्ज विद इन ए सिलेंडर सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब और क्यूबॉइड और स्फेयर। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेंगे, तो हमें रेगुलर ज्योमेट्रीज के लिए अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द होल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग इंटीग्रेशन। अब आपको थोड़ा अमाउंट मिल गया, अब आप पूरा फाइंड आउट करने के लिए आप इस डी को इंटीग्रेट करो, इट इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी सभी एलिमेंट्स का थोड़ा थोड़ा निकाल के बाद में हम इसको सम अप कर रहे हैं, और ये सम एक्चुअल में वेक्टर के अकॉर्डिंग होगा। तो या तो हम वेक्टर मैथमेटिक्स यूज करें या हम कंपोनेंट्स लें। कंपोनेंट्स लेने का बेनिफिट ये होता है, वर्टिकल कंपोनेंट्स या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो इक्विवेलेंट अपोजिट होते हैं, तो उसका एक पार्ट कैंसिल आउट होगा तो हमारा ट्रीटमेंट है वो सिंपल हो जाएगा। अब आपको जो लिमिट्स लेनी है इसमें भी आपने पूरा ध्यान रखना है कि लिमिट्स कहां से कहां तक आएगी। आप डी की वैल्यू रखते हैं, डी इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो डी क्यू होगा लैम्डा डीएल, यहां रख के प्रॉपर लिमिट्स हम सोल्व कर लेंगे। और अगर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है तो डी क्यू इक्वल टू दिस डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए, यहां पुट करेंगे और सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। और अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है तो दिस डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। तो इस टाइप से अपने ये देंगे कि फॉर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के डी क्यू मीन्स लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर एंड इट इज लीनियर इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन होगा। अगर सरफेस हो तो दिस डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां आपको कौन सा इंटीग्रेशन करना है, सरफेस इंटीग्रेशन करना है। और अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इस डी क्यू की वैल्यू आप कितनी पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ के और डी क्यू मीन्स फॉर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इट इज रो डी वी, रो डी वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहां इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा। इस टाइप से प्रॉपर लिमिट्स में इसको हम सोल्व करके और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी लेंदी होगी, थोड़ा सा प्रोसेस है वो टिपिकल होगा, पर ये हम करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ए चार्ज स्मॉल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो आप देखेंगे एक स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ एल और इस पे जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, और इस एंड से x डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिंग्विश द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन सी इट इज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। नाउ कंसिडर ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट, तो मैं यहां कहीं पे एक लेंथ एलिमेंट एज्यूम करता हूं एंड लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज DL and this element is at a distance L, small L from the point of observation. इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर ये L लेंगे तो उसको अपने DL लेंगे, और अगर ये Y लेंगे तो इसको अपने DY लेंगे, ये calculus की demand है। Now charge in element, the amount of charge equal to amount of charge in unit length is lambda, then total charge in length DL, तो लैम्डा डीएल, वेर लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। नाउ दिस चार्ज डी क्यू ऑफ दिस एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज, एंड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन के डी क्यू अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर के डी क्यू अपॉन एल स्क्वायर, वेयर डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल, दैट इज डी इक्वल टू के डी क्यू मीन्स लैम्डा डी एल अपॉन एल स्क्वायर, एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, जो अपने लास्ट में पुट करेंगे इट इक्वेशन सेकेंड। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल चार्ज, इंटीग्रेट दिस डी ई बिटवीन द प्रॉपर लिमिट्स। सो ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, एंड द वैल्यू ऑफ ई इज के लैम्डा अपॉन एल स्क्वायर इंटू डी एल। अब देखिए इंटीग्रेशन एल पे चल रहा है, तो देखिए एल की जो वैल्यू, यानी ये जो एलिमेंट जब यहां होगा तो उस समय इस एल की वैल्यू एक्स होगी, तो लोअर लिमिट होगी आपकी एक्स,
और यही एलिमेंट जब यहां बनेगा तो इस एल की वैल्यू होगी एक्स प्लस कैपिटल एल. सो लोअर लिमिट इज एक्स एंड अपर लिमिट इज एक्स प्लस एल. के एंड लैम्डा आर कॉन्स्टेंट्स, एक्स टू एक्स प्लस एल एंड डीएल अपॉन एल स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल अपॉन एल स्क्वायर इज माइनस वन बाई एल. के लैम्डा माइनस वन अपॉन एल, इंटीग्रेट एल स्क्वायर माइनस वन बाई एल, एक्स टू एक्स प्लस कैपिटल एल. नाउ पुट द प्रॉपर लिमिट्स, माइनस बाहर ले लीजिए, वन अपॉन एक्स प्लस एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. नाउ एक्स एल इंटू एक्स, एक्स माइनस एक्स माइनस एल, एक्स कैंसिल, एंड ई इक्वल टू के लैम्डा एल अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एल. सिंस लैम्डा इंटू एल मीन्स क्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लैम्डा एल इक्वल टू क्यू, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एल. इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ एल, देन इट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब अपने इसको ये देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा डिस्टेंस पे हो, यानी ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इस सिचुएशन में हम देखते हैं क्या होगा. दैट इज एक्स इज वेरी लार्ज, इफ एक्स इज मच मच ग्रेटर देन एल. उस सिचुएशन देखिए आंसर क्या आता है कि इफ एक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एल, देन वी कैन नेग्लेक्ट एल एज कंपेयर टू एक्स. That is, x plus l is nearly equal to x because l is very small. In that case, electric field equal to k q upon x into x plus l means x, that is x square. अब आप देखिए ये point charge हो गया. अगर ये distance large होगा तो आप इसको distribution लेने की जरूरत नहीं, इस पर जो total charge q है वो point की तरह handle हो रहा है. तो point charge q x distance तो kq by x square. यानी ये जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो गया आपका. पर अगर ये पॉइंट क्लोज हो तो आप ये फॉर्मूला लेंगे, और अगर एक्स लार्ज हो तो ये चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा. तो ये एक प्रॉब्लम है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे. नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम नंबर 30, पेज नंबर 49. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. इट इज ए स्ट्रेट वायर एक्स वाई and its linear charge density is lambda. Find out electric field at a distance small r from the wire. It is perpendicular distance and p is point of observation. To find this electric field, first of all recognize the distribution. It is given linear distribution of charge. Step number 2, consider a small length element of length dl. Suppose that it is a length element of length dl which is at a distance l from the point O. Now amount of charge in this element, amount of charge of element, and it is dq and lambda into dl. Now find out electric field due to this point charge dq at the point of observation. dE is electric field due to the charge of this element pointing in outward direction, and magnitude of electric field, that is electric field due to dq, and it is dE k dq upon, let this distance is x, then square of distance between the point charge and point of observation, where dq equal to lambda dl. Similarly, find out electric field
for all such elements at P, and then the vector sum or integration gives the total electric field. Suppose that this electric field makes an angle theta with this line. Component of this electric field in this direction, outward direction, is d cos theta, and vertical component is dE sin theta. अब अपने सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ओ से एल डिस्टेंस नीचे आपने एक एलिमेंट लिया है, इतने डिस्टेंस पे अपने एक ऊपर एलिमेंट लेते हैं एल डिस्टेंस पे एट द सेम सेपरेशन. इट इज अनदर एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल एट द सेम डिस्टेंस स्मॉल एल फ्रॉम ओ. देन अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस एलिमेंट विल बी ऑल्सो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डीएल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट विल बी same DE but direction wise different, it is DE. These two distances are equal and amount of charges in two elements are also equal, so magnitude of electric field at this point P will be same but direction wise different. Now component of this another electric field dE cos theta, and vertical component of this electric field is vertically downwards. dE sin theta. अब आप इसमें देखिए, यहां पे हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं. इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में dE, और dE का मैग्नीट्यूड ये वाला है. इस एलिमेंट की सिमिट्री में हम दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, यहां सिमिट्री की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. यानी सिमिट्री का मतलब O से जितने डिस्टेंस से नीचे एलिमेंट है उतने डिस्टेंस पे हमने ऊपर एलिमेंट लिया है. तो अगर ये दोनों डिस्टेंसेज इक्वल होंगे तो ये दोनों डिस्टेंसेज भी इक्वल होंगे, और ये डिस्टेंसेज इक्वल है तो इनके चार्जेस भी इक्वल है, इसलिए P पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों एलिमेंट्स का सेम होगा, पर उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है. ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड DE है, इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स आप देखिए, DE sin theta अपवर्ड्स एंड DE sin theta डाउनवर्ड्स. तो दीज टू कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट ईच अदर. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is equal to the sum of horizontal components, all horizontal components. That is, resultant electric field at P is equal to the summation of all horizontal components. तो आप यहां देखिए, हम 2d cos theta नहीं ले सकते. 2d cos theta हम कब लेते? जब यहां दो ही चार्जेज होते, सिर्फ एक ये चार्ज होता, एक ये होता. तो आप d cos theta plus d cos theta, 2d cos theta, जैसा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में किया था. पर यहां आप देखिए, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं. इन सभी एलिमेंट्स में हर एलिमेंट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बचता है वो डी कॉस थीटा है. उसका दूसरा कंपोनेंट तो किसी सिमिट्री प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड के जो एलिमेंट्स उससे कैंसिल आउट हो रहा है. सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज डी कॉस थीटा. सो रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू द होल वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. So summation of d cos theta, and this summation will be written as integration of d cos theta, where dE means k lambda dl upon x square into cos theta. अब यहां पे carefully हमें limit देखनी पड़ेगी कि यहां पे इसकी limit कितनी है. तो आप देखेंगे यहां पे कि ये angle theta है vertically opposite angle. अब इस पूरे इंटीग्रेशन को अपने, अभी इंटीग्रेशन चल रहा है L पे, तो यहां पे L की लिमिट्स लेना इतना इजी नहीं है. तो हम इस लिमिट को एंगल में चेंज करेंगे. अगर ये एलिमेंट यहां है तो इसका P पे एंगल है वो थीटा. अगर एलिमेंट यहां आता है तो ये एंगल इंक्रीज होगा. तो सपोज दैट द एंगल सबटेंडेड बाय दिस एलिमेंट एट Y एट दिस पॉइंट P इज थीटा वन. This element, this angle is theta 1, and when this element reaches to the upper end x, then the angle subtended by this element is theta 2. That is, the value of theta for lower part of the wire is theta 1 and for upper part of the wire is theta 2. तो अब अपने पूरा integration है वो theta में convert करेंगे. तो अब यहां देखिए, इसमें ये तीन चीजें यहां रिमूव करेंगे अपने, थीटा, डीएल एंड एक्स. इन तीनों को रिमूव करके अपने इस इक्वेशन में यहां पे
पुट करेंगे इसमें। नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल, आई एम यूजिंग दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल इट इज डिस्टेंस एक्स, डिस्टेंस एक्स आर एंड एल एंड दिस एंगल इज थीटा। अब हम इंटीग्रेशन को एल से थीटा पे मूव करते हैं। फ्रॉम दिस ट्राइंगल कोस थीटा इक्वल टू आर बाई एक्स, इट इज नंबर टू, एंड एल बाई आर इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज एल इक्वल टू आर टेन थीटा। नाउ डिफरेंशिएट एल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज डी एल बाई डी थीटा इक्वल टू आर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा इज sec square theta, therefore dl equal to r sec square theta and d theta। तो यहां से अपने dl की वैल्यू ये पुट कर देंगे, cos theta equal to r by x number 3 and x by r equal to sec theta x upon r। l और x दोनों गिवन नहीं है, तो l और x को दोनों को हम r में कन्वर्ट करेंगे। x इक्वल टू आर sec थीटा नंबर 4। तो यहां से अपने dl हटा रहे हैं, x हटा रहे हैं, cos थीटा हटा रहे हैं। cos थीटा इक्वल टू r बाई x, l इक्वल टू r tan थीटा एंड x इक्वल टू r sec थीटा। तो इसकी अगर वैल्यू अपने पुट करें इस इक्वेशन में, तो अपने देखेंगे ये जो वैल्यू आ रही है, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, e इक्वल टू k lambda एंड dl, dl means r sec square theta d theta upon x square and into cos theta, and cos theta means r by x। k lambda r square sec square theta d theta divided by x cube and x equal to r sec theta, r cube sec cube theta। Now electric field is equal to k lambda and after solving 1 by r 1 by sec theta and d theta, lambda k lambda upon r, r is also constant and 1 by sec equal to cos। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा इंटीग्रेशन है वो थीटा पे जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे अब हम लिमिट जो लेंगे वो थीटा की लेंगे। तो देखिए ये एंगल थीटा है, तो थीटा की इस एंड के लिए लिमिट है थीटा की थीटा वन, और अपर साइड में जाए तो थीटा की वैल्यू आएगी थीटा टू, क्योंकि यहां भी ये एंगल कितना है थीटा है। तो फॉर लोअर एंड थीटा इज थीटा वन, और नीचे की साइड में तो माइनस थीटा वन, और ऊपर है तो हम लेंगे एंगल प्लस एन थीटा टू। तो लिमिट ऑफ दिस एंगल इज माइनस थीटा वन टू प्लस थीटा टू। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, माइनस थीटा वन टू थीटा टू, के लैम्डा बाई आर अपर लिमिट, साइन थीटा टू माइनस साइन, माइनस साइन थीटा वन, एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन, इट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक। अब आपको दे रखा है वायर कैसा है, इसमें लॉन्ग थिन वायर। लॉन्ग थिन वायर का मतलब ये है कि अगर वायर की लेंथ बहुत ज्यादा हो, अगर लेंथ बहुत ज्यादा होगी ये एंड अपने ऊपर करते जाए तो हम देखेंगे ये एंगल थीटा टू इंक्रीज होगा, और अगर वायर स्ट्रेट है तो थीटा टू की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होगी, और नीचे की तरफ वायर अगर स्ट्रेट है तो ये एंगल जो यहां थीटा वन है ये इंक्रीज होकर मैक्सिमम एक स्ट्रेट वायर के लिए इस एंगल की वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो यहां अपने इसको ऐसा डिस्कस कर सकते हैं कि इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ फॉर ए लॉन्ग वायर, थीटा वन एंड थीटा टू बोथ द लिमिट्स बिकम्स 90 डिग्री, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर बिकम्स साइन 90 प्लस साइन 90, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर।
It is electric field due to a long wire uniformly charged with a linear charge density lambda and at a distance small r. Calculation wise it is typical, but it is an interesting problem. Next problem of linear distribution of charge. In this problem, charge is distributed over the circumference of a ring of radius capital R and total amount of charge is small q. So linear charge density is equal to total charge divided by the total length, which is 2 pi r. Now find out electric field on axial line of the ring and at a distance small r from the center. So this line is known as axial line of the ring. It is axial line and P is point of observation. So it is linear distribution of charge. First of all, consider a small element of length dl and amount of charge in this element, that is dq, is equal to lambda into dl, where lambda is equal to q upon 2 pi r. Find out electric field due to the charge of this element at this point P. So the direction of electric field at P will be in outward direction and the magnitude is dE. Let this angle is theta and its horizontal component is E cos theta, which is along the axial line, and its vertical component is dE sin theta. So using the property of symmetry, consider another element which is diametrically opposite to the first element. The second element is diametrically opposite to the first element, and this distance is also capital R, radius of the circle, and length of this element is again dl and amount of charge is dq. Electric field due to this element at P will be same, but direction wise different and angle theta. Component of this electric field is again E cos theta along the axial line, but vertical component is upwards and it is dE sin theta and it is point of observation P. You can see the vertical components are equal and opposite, cancel out each other. So resultant electric field at P will be due to the sum of all horizontal components. So net electric field at P is equal to the summation of all dE cos theta. Aap ye dekhenge ki ek element ke electric field dE mein se uska ek component d sin theta cancel out ho gaya samne wale element se. To dE mein se sirf dE mein se sirf dE cos theta hi bachega. Out of dE, d cos theta bachega aur d sin theta dusre element se cancel hoga. तो आप देखेंगे यहां पे हमें वेक्टर में थोड़ा सा इजी हो गया कि सिर्फ इनको ऐड करना है. अब ये कोई दो ही एलिमेंट तो होंगे नहीं, क्योंकि अब बहुत सारे एलिमेंट्स हम बनाएंगे. हर एलिमेंट का एक डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट होगा, तो उन सब के वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होते जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वो सेम डायरेक्शन में वो ऐड होते जाएंगे. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, दैट इज डी कॉस थीटा, एंड इट कैन बी रिटन एज द इंटीग्रेशन ऑफ d cos theta, and dE means k dq upon square of distance from element to point of observation, let it is x, so it becomes x square. So dE is equal to k dq upon x square into cos theta, where dq is equal to lambda dl and lambda equal to q upon 2 pi r into dl equal to k q upon 2 pi r into dl upon x square into cos theta, and find the value of cos theta using this triangle. So cos theta equal to r upon x. The value of cos theta is r by x, r upon x. तो k q upon x cube into 2 pi r, all these terms are constant and remaining is small r is also constant,
and x remains constant for all the elements on the circumference because it is the oblique length of a cone, slant length of a cone, which remains constant for all elements regarding this point. So x is also constant, x square into x means x cube, and integration of dl. Now the limit of integration is 0 to 2 pi r. Net electric field equal to kq r upon x cube into 2 pi r, and integration of dl is l, limit from 0 to 2 pi r, upper limit minus lower limit. So E equal to kq r upon x cube into 2 pi r, and अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो कि जीरो रखने की जरूरत नहीं है, तो आप देखेंगे यहां से ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 पाई आर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन एक्स क्यूब, वेर एक्स इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर और देन स्क्वायर रूट क्यूब. तो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट देन पावर 3. तो ई इक्वल टू kq r upon r square plus r square raised to 3 by 2. It is net electric field at P due to the uniformly distributed charge over the circumference of a ring. अब इसका थोड़ा discussion देखिए इसमें. Case first, if this point P is far away from the center of the ring, that is small r is much much greater than capital R. So we can neglect r square as compared to small r square, because so we can neglect capital R square. Electric field equal to kq r upon r square raised to 3 by 2, and after solving it becomes kq by r. So ab yahan dekhiye isme ki agar ye distance large ho to ring hai wo as a point charge ki tarah deal hoga, kyunki point charge ke liye kq by r square hota hai. Par agar point close hai तो देखो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका डायमीटर जो है, इसकी जो डायमेंशन है वो नेग्लिजिबल नहीं है, यानी ये पॉइंट चार्ज नहीं है. बट अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर लार्ज डिस्टेंस पे है तो इन दिस सिचुएशन दिस डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज, एंड फॉर ए पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर. एंड केस सेकेंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, दैट इज स्मॉल आर इक्वल टू जीरो. इफ स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, in this situation the electric field at the center becomes zero. It is due to symmetry. Aap isko is tarike se dekh sakte hain, center pe zero electric field kyon hoga. Aap ye dekhiye isme yahan pe ye element hai, is element ka electric field is point pe outward hoga is direction mein, kyunki point hamara yahan pe ye electric field hai. Par uske theek samne ek element ho raha hai, is element ka electric field isi line pe अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट्स इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट इच अदर. द अपोजिट एलिमेंट्स ऑफ द होल रिंग कैंसिल आउट इच अदर. एक होमवर्क के लिए एक न्यूमेरिकल है. इट इज एन आर्क एंड इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद ए चार्ज स्मॉल क्यू, एंड द एंगल ऑफ आर्क इज 120 डिग्री. It is center O and this angle is 120 degree. Find out electric field due to this arc at the center of the circle. Radius of the arc is capital R. तो ये होमवर्क, आप इसको सोल्व करके देखिए और इसका आंसर क्या आता है मुझे बताइए.